सूरज, इस बाबूजी और उसके गुंडों के बारे में इतनी बातें सुन चुका हूँ कि मैंने अपनी पोस्टिंग यहाँ पर करवा ली, मगर इस फाइल से ऐसा लगता नहीं कि पिछले कई महीनों से नारायणपुर में कोई अपराध हुआ हो। सर, नारायणपुर में बाबूजी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। हाँ। यस इंस्पेक्टर रस्तोगी। रस्तोगी या? कैदी नंबर 340 का कत्ल बाबूजी ने करवाया था सारे शहर के सामने, लेकिन गवाही कोई नहीं देगा। अगर इस केस को लेकर तुम अदालत तक पहुँच सकते हो तो मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ। तुम सोच लो, मैं तुम्हें बाद में फिर फोन करूंगा। काहे लल्ला, धंधा कैसा चल रहा है? काहे का धंधा यार, दिन में सारे 5 बैरल बेचने मुश्किल हो गए हैं। जुए के अड्डे तो पहले ही बाबूजी के हाथ में चले गए हैं। दादा, अगर शराब के ठेके नहीं मिले ना तो भीख मांगनी पड़ेगी। फिकर काहे करता है लल्ला, ऐसी गोटी फिट करके आया हूँ कि सारे ठेके घासी राम के कंट्रोल में होंगे। बस तुम लोग अपने औजार को ढार लगा के रखो, बाबूजी की ऐसी की तैसी। ऐसा 340 की फाइल निकालो। लेकिन सर, 340 का केस तो बंद हो चुका है। मुझे पढ़ना आता है, जो शब्दों में लिखा है वो भी, जो शब्दों में नहीं लिखा है वो भी। ठीक है सर। बाबूजी, 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 जय राधा माधव। आइए बाबूजी। बहुत बहुत मुबारक हो रस्तोगी साहब, आज ही मुझे पता चला कि आपको बेस्ट इंस्पेक्टर का राष्ट्रपति पदक मिला है। ये लीजिए। जी शुक्रिया। लो बेटे। हमारे लोगों ने हमसे कहा कि आपको हवेली पर बुलाएं। हमने कहा नहीं, जिस हस्ती को इतना बड़ा सम्मान मिला है उसके पास हम खुद जाएंगे। जी आइए बैठिए। शुक्रिया। वैसे जब जब किसी भी व्यक्ति ने मेरे शहर का नाम ऊंचा किया है जी, मैंने उनकी जिंदगी बना दी। डॉक्टर देशमुख, जब उन्हें अमेरिका से बड़ी डिग्री मिली तो क्लिनिक खुलवाने के लिए मैंने उन्हें गवर्नमेंट से जमीन का टुकड़ा दिलवा दिया। अच्छा। राजन पटेल, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जज बने तो सरकारी खर्चे पर उनके लिए गंगापुर रोड पर एक बंगला बनवा दिया। अच्छा अच्छा। मगर रस्तोगी साहब, ये लोग इतने अच्छे और सज्जन लोग हैं कि आज भी हर रोज सुबह हवेली पर आकर मिलते जरूर हैं। जी हाँ, जरूर आते होंगे। आपके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा, आप सोचकर बता दीजिए हवेली पर आकर। आज आपका असिस्टेंट कुछ कह रहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। पिछले हफ्ते आपने जिस कैदी को बेल पर छुड़वाया था उसका खून हो गया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए क्या इतने परेशान हो रहे हैं? अरे मर गया अच्छा हुआ, पिंड छूटा, धरती का बोझ कम हुआ। साला जिंदा रहता तो 2-4 कत्ल और कर देता। इसीलिए आपने उसे काट कर अलग कर दिया। किस अधिकार से और क्यों? आदमी कोई पत्थर नहीं है कि एक बार जैसा बन गया जिंदगी भर वैसा ही बना रहेगा। जब एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है तब तक हर डाकू के लिए ये उम्मीद है कि वो भी वाल्मीकि बन सकता है। अगर फिलॉसफी की ही बात है तो मरता कौन है, आत्मा तो अमर है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा फौरन दूसरा जन्म ले लेती है। यूं गया यूं आया। तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? 340 के कत्ल के जुर्म में अगर किसी को फांसी की सजा हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? और फिर आत्मा भी तो अमर है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, फौरन दूसरा जन्म ले लेगी। यूं गया यूं आया। ये तो आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपके बारे में सब जानता हूं बाबूजी। आप यहां इसलिए आए हैं कि मैं 340 का केस खारिज कर दूं, बंद कर दूं। बाबूजी, आपने यहां पर आकर यह साबित कर दिया है कि आपके आस्तीन पर 340 का खून है, और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है बाबूजी, जो आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा, इसलिए कल आपके हाथों में हथकड़ी होगी। जाओ और जाकर नरसिम्हा को ढूंढ कर लाओ,
पूरा शहर छान मारो, कल सुबह तक मुझे नरसिम्हा यहाँ चाहिए।